दोस्तों आगे एक रैकेट्स की टेस्टिंग वीडियो, एक एक करके सारे क्रैकर्स को टेस्ट करके देखेंगे, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना और कमेंट करके भी बताना आपका फेवरेट जो क्रैकर्स है कौन सा है, और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों अजंता कंपनी का ये स्ट्रॉबेरी वाला फाउंटेन है, अनार है, काफ़ी बड़ा था देखने में ही पता चल रहा था, और ये देखिएगा मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ काफ़ी बड़ा है। चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं दोस्तों किस तरीके का है ये। देखिएगा दोस्तों अनार से स्ट्रॉबेरी कलर निकल रहा है जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है दोस्तों। अब ये दूसरा अजंता कंपनी का ही है, ये भी उबेर करके फाउंटेन यानी कि अनार जैसा ही है, और इसके अंदर चार पांच हैं, और एक ये मैं निकाल लेता हूँ, काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है, बट किस तरीके का होगा चलिए देखते हैं इसमें आग लगा के। दोस्तों जैसे कि अनार होते हैं तो एक ही साथ एक ही बार में निकल जाते हैं, बट इसको आप देखिए इसमें ऐसा लग रहा है इसे ऑन ऑफ हो रहा हो, तो काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है, काफ़ी देर तक ये अनार चला है, तो कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा ये। अब ये देखिएगा फूलझड़ी, ये फूलझड़ी बहुत बड़ी फूलझड़ी है, वहाँ पर जहाँ से मैं लाया हूँ सबसे बड़ी फूलझड़ी, आप मेरे साइज से ही देख सकते हैं कितनी बड़ी है। चलिए इसको जला के देखते हैं, और ये देखिएगा इसमें से जो कलर निकल रहा है कलर भी बहुत अच्छा निकल रहा है, देखने में भी अच्छी लग रही है, काफ़ी बड़ी ये फूलझड़ी है, और बच्चों के हाथ में जब मैं दूंगा तो आप देखिएगा बच्चों के साइज से कितनी बड़ी है, और काफी देर तक दोस्तों ये चल रही है। अब चलते हैं अगले पटाखे की तरफ, ये है मरकुरी का जूम व्हील्स यानी कि चक्रियां इसके अंदर हैं दोस्तों, अलग तरह की चक्रियां हैं देखने में, चले चला के देखते हैं इसको किस तरीके की चलती है। दोस्तों आप देख सकते हैं चक्री तो काफी अच्छी लग रही है, इसमें चार दी हुई हैं जो एक एक करके चल रही है, तो बीच में बंद हो रही है, तो कई बार तो ऐसा लगता है जैसे खत्म हो गई बट फिर दोबारा से ये चलना स्टार्ट हो जाती है। आपको कैसी लगी ये चक्री जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं व्हिसलिंग रॉकेट की, तो ये रॉकेट है दोस्तों मेरे पास साइज में काफी बड़ा है, आप इसको निकालते हैं और निकालने के बाद चला के देखते हैं। व्हिसलिंग रॉकेट है तो नॉर्मली इसके अंदर सीटी बजनी चाहिए, ऊपर जाके पटाखा नहीं फूटना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर सीटी ही बजी है दोस्तों। अब चलते हैं अगले पटाखे की तरफ, अगला जो पटाखा है लिबर्टी कंपनी के स्काई शॉट है, तीन स्काई शॉट है स्टार वॉर्स करके, पैकिंग तो काफी अच्छी लग रही थी देखने में। अब चलिए इसको चला के देखते हैं, तो सबसे पहले मैं इसको निकाल के आपको दिखाता हूँ, तो पैकेट ओपन करने के बाद देखिएगा काफी बड़े साइज का ये स्काई शॉट निकलता है। अभी इसमें आग लगाएंगे और देखेंगे किस तरह का आसमान में जाके फ्लावर बनाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों फ्लावर तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बना है, क्योंकि ये जो स्काई शॉट था ये नीचे ही फट गया था पहले से ही, और यहाँ पे जो है हिंदुस्तान कंपनी का अगला मेरे पास जो है स्काई शॉट है, इसके अंदर भी तीन आए हैं दोस्तों, इसका भी निकालते हैं और देखते हैं। अगर रेट की बात करें तो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर इन सब पटाखों के आप रेट भी देख सकते हैं। अगर दोस्तों बात करूंगे सोनी के स्काई शॉट की, तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, उससे कम ही ये बना रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास कॉक ब्रेड का आकाश मलिका करके है, ये भी काइंड ऑफ स्काई शॉट है, स्काई शॉट जैसा ही है, बट इसमें बोला गया था कि ऊपर जाके पैराशूट बनेंगे, कुछ माला जैसी बनेगी। चलिए इसको चलाते हैं और चला के देखते हैं कि ऐसा होता भी है कि या नहीं होता है। यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे तो ऊपर से एक आग जैसा जलता हुआ नीचे तक आ रहा है। अब ये थोड़ा सा दोस्तों रिस्की भी हो सकता है अगर ये पहले नहीं बुझा, क्योंकि इस तरीके से अगर आप चलाएंगे तो कहीं पे किसी के घर पे जाके गिर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो ये वाला जो क्रैकर है मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको, क्योंकि अगर आप ओपन एरिया में कर रहे हैं तब ठीक है, अदरवाइज ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगला जो पटाखा होने वाला है दोस्तों कॉर्नेशन का है, मियाँ बीबी के नाम से है। अब ये नाम से ही बड़ा स्पेशल लग रहा है, बट किस तरीके का डब्बा खोल के देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा दो पटाखे दिए हुए हैं जिनको धागे से बांधा हुआ है, और एक ही सुतली दी हुई है जिसके अंदर आग लगानी। चलिए चला के देखते हैं। नॉर्मल रिकॉर्ड में तो ज्यादा अच्छा शूट नहीं हुआ, बट आप स्लो मोशन में देखिएगा कितना अच्छा ये दिख रहा है।
अगला जो क्रैकर है दोस्तों, ये 4x4 व्हील का है। अब इसके अंदर से क्या निकलता है क्या नहीं निकलता, चलिए बॉक्स को ओपन करके देखते हैं। तो जब मैं ओपन करता हूँ तो इसके अंदर से चक्री निकलती है दोस्तों, 3-4 चक्री हैं। चलिए इनको चला के देखते हैं किस तरीके की अच्छी है, नॉर्मल है या नहीं। मेरे को तो दोस्तों ये बहुत अच्छी लगी, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। अगला जो पटाखा है दोस्तों हमारा ऑटोमेटिक रॉकेट है। अब इसके अंदर बॉक्स को ओपन करते हैं, कॉक ब्रांड का है। रेट की बात करेंगे तो रेट आपको पुरानी वीडियो में दिख जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी और चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इसका इस तरीके से यहाँ पे इसमें छोटे छोटे स्काई शॉट जैसे निकलते हैं, बट क्या ये रियल में स्काई शॉट है? आग लगा के देखते हैं और देखते हैं इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों ये ज़्यादा ऊपर तो नहीं गया, बट इसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था दोस्तों ये। अब बात करते हैं पेंटा मिसाइल की। तो ये 4x5 पेंटा मिसाइल है मेरे पास। अब इसको निकालेंगे और निकालने के बाद देखेंगे कितना बड़ा इसका साइज़ है। तो ये देखिएगा इतनी बड़ी पेंटा मिसाइल है। चलिए इसको चलाते हैं और चला के देखते हैं। दोस्तों बड़े वाले स्काई शॉट से मुझे ये पेंटा मिसाइल ज़्यादा अच्छी लगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर दिवाली की वीडियोस बहुत सारी आने वाली हैं, स्पेशली क्रैकर्स की। नए नए तरीके बहुत सारे पटाखे ले आया हूं मैं और उन सबको चला के दिखाने वाला हूं किस तरह के। तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना वरना आप मिस कर दोगे। और जैसे ही आपको नोटिफिकेशन में कभी भी वरुण के एक्सपेरिमेंट्स की वीडियो दिखे तो पूरी देखना, तभी आपको नए नए पटाखों के बारे में पता चल जाएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।